हेलो स्टूडेंट, आपका वीएल मेमोरी स्कूल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का अपना न्यू टॉपिक है एज लॉन्ग एज और सो लॉन्ग एज। इसकी हिंदी मीनिंग होती है जब तक, वह शर्तें मतलब कंडीशन और अगर, तीनों ही मीनिंग निकलती हैं सेंटेंस के अंदर, दोनों ही सेम यूज़ होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट सेंटेंस फ्यूचर को करेगा और सेकंड इसके अंदर जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट को प्रेजेंट मतलब दिखाएगा। इसके अंदर मीनिंग एक की फ्यूचर टेंस में निकलेगी, एक में एक प्रेजेंट टेंस में निकलेगी। यह देखते हैं, अभी क्वेश्चन देखते हैं इसका, फिर समझ आ जाएगा आप लोगों को। यू आर सेफ एज लॉन्ग एज यू स्टेयर। तुम यहाँ पर सुरक्षित रहोगे जब तक तुम यहाँ रहते हो। यू स्टे हेयर, रहते हो। यू आर सेफ, रहोगे मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टेंस सेंटेंस क्या कर रहा है, फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट कर रहा है और सेकंड वाला प्रेजेंट टेंस को। आपको ये समझ आ गया, ये क्या है, शर्त कंडीशन दे रहा है। बहुत ही ईजी है ये, इसके अंदर अपन एज सो लॉन्ग एज भी लिख सकते थे। अब देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। एज लॉन्ग एज यू आर इन द क्लास कॉमा यू विल हैव टू वर्क। अब जब कॉमा आ जाए ना तो इसका मतलब होता है तब तक, ये याद रखिएगा, जब तक तुम क्लास में हो तब तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जब भी दो सेंटेंस को एज लॉन्ग एज से कनेक्ट करते हैं और एज लॉन्ग एज क्या हो, सेंटेंस के फर्स्ट में स्टार्टिंग में आ रहा हो, तो उसके जब भी फर्स्ट सेंटेंस खत्म होगा तो उसके बाद में अपन को कॉमा लगाना है और उस कॉमा का मतलब होगा तब तक, ठीक है। अब सेकंड इसके अंदर सो लॉन्ग के भी एग्जांपल देख ले रहे हैं। सो लॉन्ग एज यू स्टे हियर यू आर सेफ। सो लॉन्ग एज यू आर इन क्लास यू विल हैव टू वर्क। सेम मीनिंग आएगी, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज में एक डिफरेंस है। एज लॉन्ग एज को कंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, सो लॉन्ग एज को कंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज़ नहीं किया जाता। अब अपन इसकी एक्सरसाइज नंबर थर्ड करते हैं। आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। ही विल पे यू कॉमा या फुल स्टॉप यू वर्क। अब ऐसा आपके क्वेश्चन आएगा, आपको इसके अंदर क्या डालना है, कंजेक्शन ऐड करना है। लिखा होगा एज लॉन्ग एज का इस यूज़ करके करना है, जो हु जैसे भी होगा ना, वो कंजेक्शन दे रखे होंगे, इधर और सो डैट। वैसे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ने पर कि ये क्या दे रहा है, कंडीशन दे रहा है, ठीक है। तो इसमें अपन कैसे यूज़ करेंगे, ही विल पे यू एज लॉन्ग एज यू वर्क। क्या वह तुमको क्या देगा, पैसे देगा या पे करेगा जब तक तुम क्या करते हो, काम करते हो। आया ना सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर सेम है, ये आपको खुद को करना है। देखिएगा एज लॉन्ग एज से करेंगे आप इसको। नंबर थर्ड, स्टूडेंट आर क्वाइट कॉमा फुल स्टॉप द टीचर इज इन द क्लास। अब इसके अंदर कंडीशन है कि बच्चे जब तक चुप रहता है, जब तक क्या होता है, टीचर क्लास में रहता है। इसकी हिंदी मीनिंग ये निकली, तो क्या आएगा, स्टूडेंट्स आर क्वाइट एज लॉन्ग एज द टीचर इज इन द क्लास। बच्चे चुप रहते हैं जब तक क्या हो, टीचर क्लास में होता है या रहता है। नंबर फोर्थ, यू कैन कंटिन्यू टू प्ले फुल स्टॉप देयर इज लाइट। दो सेंटेंसेस है, तुम खेल सकते हो जब तक, तुम लगातार खेल सकते हो या तुम खेल सकते हो जब तक क्या हो, लाइट हो। इसकी मीनिंग ये निकलनी है, तो क्या होगा, यू कैन कंटिन्यू टू प्ले एज लॉन्ग एज देयर इज लाइट, या ये लिख सकते हो सिंपल सा। इसके अंदर क्या लिखना है, एज लॉन्ग एज, यहाँ पे सो लॉन्ग एज भी लिखा जा सकता है। यहाँ पे हिंदी मीनिंग ये भी निकल सकती है, बशर्ते देयर इज अ लाइट, कंडीशन आ गई ना। अब नंबर सिक्स फिफ्थ है जो, यू कैन स्टडी इन स्कूल यू पे योर फीस। यू कैन स्टडी इन द स्कूल एज लॉन्ग एज या एज सो लॉन्ग एज यू पे योर फीस। तुम
इस स्कूल में पढ़ सकते हो, बशर्ते तुम क्या करो, अपनी फीस जमा कराते हो, या जब तक तुम अपनी फीस जमा कराते हो। कंडीशन आ गई ना, अगर तुम फीस जमा कराते हो। तीनों ही आ रही है ना, बस यही हिंदी मीनिंग निकालनी है और आपको आराम से कंजक्शन हो जाएंगे। आपको सेकंड वाला करना है, ठीक है? थैंक यू।